सिर्फ़ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज़ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर 69 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्षपर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हां सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड भी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशूसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्षपर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड एंड अभी फाइनली ये पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश जर कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी दे गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्षपर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर रहें? किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे, अच्छे मूवी की, की है काफी अच्छे तरीके से ये मुझे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आज कल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एम रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन रखी गई है इतनी डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्तव द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन उन्होंने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम के बारे में यहां पर लोगों को होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश

अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की आई है जो कि काफी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्तव ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्स स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे अपना बहुत निभाया है आप लोगों के सामने ये मुझे, मुझे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है के हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले काफी अच्छी है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष पर्च इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश

अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले काफी अच्छी खासी रेटिंग है। इसी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो 6 .6 आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हां सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने मूवी की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आज कल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो 6 .6 आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्स स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई थी यहां पर मैं बात कर रहा हूं अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने मूवी की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आज कल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होने वाले हैं अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस को इस मूवी एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश जर कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज़ होने वाले हैं अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर परसेंट टेजे दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस को इस मूवी एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब तो से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष पर्च इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहां पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आईएमडीबी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आईएमडीबी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आईएमडीबी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज़ होने वाले हैं अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर 69 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है विए विए दो घंटे और तकरीबन तो बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड भी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश जर कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज़ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्षपर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशूसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर तो देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्षपर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर रहें? किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग लोगों को आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशूसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश मंजर कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी मूवी की की टाइम 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 ड्यूरेशन 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 है है जो कि एक एक बहुत बहुत ही ही एवरेज और सी रखी गई इतनी डेफिनेटली हर होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्तव द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्षपर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने मुझे, मुझे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्तव द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हां सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले वाले हैं हैं इन तमाम के आप लोगों को आज की इस वीडियो वीडियो में मिलने वाले तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशूसन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश मंजर कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आज कल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन मिनट के अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्तव द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश तो तुछ तुछ देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की, की है काफी अच्छे तरीके से ये मुझे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एम रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट ज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन उन्होंने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हां सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक با आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश

अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स की आई एम रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्तव ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष पर्च इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन्न गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मुझे, मुझे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जय सुन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो 6 .6 आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स अच्च तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स अच्च देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बखूबी निभाया है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो 6 .6 आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फ होने वाले हैं अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की यहां पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफी अच्छी जो है वो यहां पर तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष पर्च इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड भी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई एम डी बी रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आज कल की जनरेशन जो है वो अगर आई एम डी बी रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज़ होने वाले हैं अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर परसेंट ज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्स स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज़ दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी जी हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनाई जाने वाली मूवी जिसने 60 करोड़ का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जी हाँ सलमान खान सर की मूवी जो कि आप लोगों को साल 2021 में देखने को मिली थी ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज भी रहे थे एंड आप लोगों के सामने ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई थी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी की जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2021 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे सलमान खान देखने को मिलेंगे आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे महिमा मकवाना देखने को मिलेंगे जयसुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को महेश मंजर कर देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट की गई थी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि यहाँ पर आई रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए अगर हम कोई भी मूवी जाकर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो आई रेटिंग भी देखने को मिलती है अगर तो आई रेटिंग अच्छी है तो हाँ हम मूवी देख लेते हैं बट आजकल की जनरेशन जो है वो अगर आई रेटिंग अच्छी ना हो तो उसे स्किप करना ज्यादा बेटर समझती है तो यहां पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोग इस मूवी से बहुत ज्यादा लुत्फानदोज़ होने वाले हैं अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर परसेंट तेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन देखने को मिल जाता है ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो हाँ मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है दो घंटे और तकरीबन बीस मिनट के राउंड अबाउट आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली हर एक मूवी की होनी चाहिए अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी महेश मंजरकर ने जिन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है एंड इस मूवी को भी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं इस मूवी के अलावा वास्ट ऑफ़ द रियलिटी उसी के साथ साथ नत सम्राट द पावर उसी के साथ साथ आप लोगों को हथियार कक्ष स्पर्श इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने रखी गई हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने ने पास्ट में तो ये सारी मूवीज दी हैं बट ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर रहें? किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी पर भी और जियो सिनेमा पर भी जी हाँ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की